लीजिए अनुपमा का सपनों का राजकुमार डोली लेकर आ गया है हमारे अनुपमा के द्वार। अब सवाल ये है कि या तो इनके राजकुमार यानी अनुज जो है वो बहुत ही उतावले हैं, या फिर ये है अनुपमा के ख्वाबो ख्यालों की उड़ान। आपको क्या लगता है? सोने दीजिए ना अनुज। लो आ गया अनुपमा दादी का होने वाला दूल्हा। सर पर पगड़ी पहनकर, पगड़ी पर सहरा लगाकर वो अनुपमा के दरवाजे पर आकर खड़ा है। और अनुपमा ने नींद से उठते ही सबसे पहले अपने होने वाले दूल्हे को देखा तो फिर क्या था, उसके चेहरे पर इस दूल्हे राजा को देखकर चमक आ गई। और दूल्हे राजा पूछने लगे कि बताओ बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो सुनिए जरा अनुपमा ने क्या कहा। आप दूल्हा बनकर कितने प्यारे लग रहे हैं। एक मिनट, सिर्फ प्यारा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ अच्छा लग रहा हूँ? और हैंडसम भी लग रहे हैं। सिर्फ हैंडसम लग रहा हूँ? मेरे लग रहे हैं। सच? अरे ये हुई ना बात। और कैसे अनुज बार बार उसे पूछे जा रहा था, लेकिन फाइनली जब अनुपमा ने कहा कि आप मेरे लग रहे हो तो जरा देखिए खुशी से कितना नाच रहा है ये अनुज, क्योंकि सपने में सपना जो पूरा हो रहा है। जी हाँ, हमें तो ये सीन देखकर लगता है कि अनुपमा का हसीन सपना ही था, क्योंकि आजकल वो शादी के सपनों में ही तो खोई हुई है और बिल्कुल अच्छी पत्नी की तरह अपने रूठे हुए पति को मनाने वाली हरकतें भी करती है। भले पति अभी बना नहीं, लेकिन पति पत्नी वाली नोक झोंक तो शुरू हो ही गई है। क्या है? मैं रूठा हुआ। इसे तो मना रही हूँ। और मनो। आप रूठे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। Really? और ये सहरे वाला सीन तो 100% अनुपमा का सपना ही है, क्योंकि देखिए बापूजी तो फोन करके लोगों को न्योता दे रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी में जरूर आना, मगर बापूजी का न्योता सुनते ही लोग फोन काट देते हैं या तो फिर मना कर देते हैं। और लीला बा ने बापूजी की ये बातें सुन ली है तो उन्होंने भी बापूजी को सुना दिया कि दादी की शादी में कोई नहीं आएगा। सबने मना कर दिया ना, कोई नहीं आएगा, दादी की शादी में कोई नहीं आएगा। जब बापूजी ने पूछा लीला बा से कि क्या तुम आओगी, तो कुछ सोचने के बाद बा ने क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। तुम आओगी, कोई और आए ना आए फर्क नहीं पड़ता लीला, लेकिन तेरे ना आने से फर्क पड़ेगा। आओगी ना? न्योता देने के लिए धन्यवाद, मैं भी नहीं आऊंगी। भाई बा से तो यही उम्मीद थी, भला बा कैसे शादी में शामिल होंगी, मगर अनुपमा ऐसा जरूर कुछ करेगी जिसके कारण बा को भी शादी में आना ही पड़ेगा। हमें तो यही लगता है क्योंकि अब तक ऐसा होता रहा है। तो आगे आगे देखिए क्या होगा, अनुपमा का सपना सच होगा या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। अब आप दूल्हे के मामा लग रहे हैं जो शादी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अरे क्योंकि शादी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, ये हुई ना बात। पागल चुकरी, अब इसे तेरा ये हाल है, आगे जाके क्या होगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।